अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट सेशन में हमने देखे थे मी चित्रकार कसा झालो, ल म कडू मुसन्निफ है इसके, इनका हमने एक चैप्टर देखे थे। कम ज़राए होते हुए भी ज़राए इस कुदरत में से हासिल करते हुए उन्होंने अपना एक शौक़ पूरा किया, उसके एक्सपीरियंस उन्होंने अपने को बताए हैं। अब वहाँ पर यहाँ से दूसरा एक और एक उनका एक्सपीरियंस है, ये हम आज के इस सेशन में देखेंगे। मैं पढ़ती हूँ चैप्टर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप अपनी उंगली रखें, पढ़ते रहें वो लाइन साथ ही साथ, और जो हार्ड वर्ड्स है मैं उसको दोहराते रहती हूँ तो वो उसको उर्दू में लिख लिया भी करें। टेक्स्ट बुक पे पेन का इस्तेमाल ना करें, पेंसिल से लिखें, पेन से ख़राब हो जाती है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक पे लिखते नहीं हैं। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। निसर्ग किती परिणाम आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधन नाही म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येते। ये जो पैराग्राफ है ये आज के माहौल पे बहुत पक्का फिट बैठता है, बहुत अच्छा बैठता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं, और मैं आज का माहौल किस पे कैसे फिट बैठता है अपने आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। जो भी उनके ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, शख्सी तजुर्बात है, ये सब एक मिसाल है। मतलब ये जो बताया है उनके बचपने के हैं, ये सिर्फ एक मिसाल है। ऐसे तो कुदरत हमको बहुत लाखों अनगिनत हिसाब से, लाखों भी नहीं बोलेंगे, लाखों बोले तो एक लिमिट आ जाती है, अनगिनत हिसाब से कुदरत हमको नवाजते रहती है, बहुत सारी चीज़ें देते रहती है। हमको उस तरफ ध्यान अपना लेके जाना होगा, उस तरफ अपने आप को मुतवज्जो करना होगा। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधन नाही म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधण्याशिवाय साधना करता येते। ये जो है कुदरत जो है अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला की हम नेमत हमको ला हिसाब मिलते रहती है। मतलब कुछ की कोई वो नहीं है, कोई एक बाउंड्री नहीं है कि बस यहाँ तक मिलेंगे यहाँ, तो लामहदूद नेमतें हैं अल्लाह ताला की जो हमको मिलते रहती हैं। और यहाँ पर लेखक जो है बहुत एक अच्छी बात कहते हैं जो आज के हमारे माहौल पे हैं। साधना नाहीत मनु अरुण बसण्याचं कारण नहीं, यानी ज़राए नहीं हैं इसलिए हालात मजबूर होकर बैठ जाना नहीं है। अगर तुम्हारी ख्वाहिशात बहुत सच्ची हूँ, बहुत तड़प वाली अगर ख्वाहिश हो, तो ज़राए नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारी बातें आप हासिल कर सकते हैं। साधना यानी इबादत होता है यहाँ पर, तो मतलब आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, बहुत सारे अपने काम बना ले सकते हैं। तो जैसे कि आज क्या हालात है, स्कूल नहीं है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश दिल से है पढ़ने की तो अल्लाह ताला आपका उसका रास्ता बना ही दिया। बहुत सारों तक इल्म उनके घर तक बैठे घर बैठे भी पहुंच रहा है। मतलब यहाँ पर आपकी ख्वाहिश अगर पक्की है, पढ़ने का जज्बा अगर पक्का है, तो अल्लाह ताला उसके लिए अजबाब बना ही देते हैं। अता हेच पहा श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा पण नदी वाहतच असायची। जैसे श्रावण का महीना रहा तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और श्रावण का महीना जैसे ख़त्म होता है ऐसे बारिश का ज़ोर भी जो है वो कम होता है। अब बारिश ख़त्म हो गई तो नदी का पानी ख़त्म हो जाता नहीं होता, मतलब नदी बहते ही रहती है। आमचा कैनवस म्हणजे खड़क मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजाड़ा। साल के 12 महीने के हिसाब से 3 मौसम है, 3 मौसम जो है वो 4-4 महीने रहते हैं। गर्मा के बाद बारिश का मौसम आता है ना, और उसके बाद सर्मा आता है, सर्दी का मौसम आता है। तो जो बारिश का मौसम से गर्मा का मौसम आने तक 8 महीनों का
डिफरेंस रहता है, मतलब उतना तवील अरसा उनको गुजारना होता है। उनका कैनवस जो नदी के आजू बाजू के पथरीले हिस्से है वो उनका कैनवस पेपर होता था, हमने देखे। तो अब वो कैनवस वापस से हासिल करने के लिए उनको 8 महीने का तवील अरसा इंतज़ार करना रहता है। तो वो बहुत, अब जब तक क्या करेंगे, तो बच्चे जो है खाली नहीं बैठते हैं ना, खाली बैठते हैं क्या, नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ मसरूफियात आपकी चलती रहती है। त्यातून चमहला मातीचा नाद लागला। अब बारिश का मौसम, गांव की मिट्टी है तो हर जगह मिट्टी रहती है। हमारे पास सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड बन गए तो हमारे पास मिट्टी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन गांव में जो है बहुत सारी बारिश होने के बाद बहुत माहौल मिट्टी होने के वजह से उन लोगों के पास बहुत मिट्टी रहती थी, मतलब उसमें एक क्रिएटिविटी उनकी नज़र आ जाती है। अब क्या देखते हैं, क्या बनाया उन लोगों ने। मातीचा नाद लागला, मातीचा नाद याने नाद याने, अब उसका उनको मज़ा आ गया, उससे वो लोग तलब बोलेंगे या फिर उसका एक लत लग गई। लाल भड़क मऊशीर माती हाथाला लोनिया सरखी वाटाई छी। लाल जरद नरम मुलायम मट्टी जो है भीगी हुई बारिश के पानी की वजह से जो भीगी हुई मिट्टी है वो हाथ को किस तरह लगती थी, लोनी सार की यानी मस्के जैसी, मस्का मक्खन जो होता है उस जैसी लगती थी। मूर्ति करावत अस ठहरल, अब उससे उन्होंने क्या बनाए, मूर्ति बुत, जैसे गांव में अक्सर होता है, आप यहाँ पर भी होता है, जब बारिश का मौसम ख़त्म होने को लगता है तो पोला ये फेस्टिवल मनाते हैं खेत वाले, तो वो खेत में हैं तो पोला मनाते हैं, तो जो हिंदू पूजा के जो वो है उनके रीति रिवाज के हिसाब से बैलों की पूजा करते हैं। तो अब जिसके पास बैल नहीं होते हैं तो वो कुछ बच्चों को अपने मिट्टी के बैल भी खेलने के लिए देते हैं, वो कुछ ऐसे इस तरह से खिलौने वो रहते हैं। तो उनके त्यौहारों में जैसे ये सारी चीज़ें देखने को हमको मिलती है, शहरों में भी देखने को मिलती है, तो वो मिट्टी के बैल जो है उस तरह से कुछ उन लोगों की मूर्तियाँ बनाना, बुद्ध बनाना उन्होंने शुरू किए। पन हाँ मातीचा खेल ही लपून छपून करावा लागे। अब मिट्टी से खेलने को जो आपके पेरेंट्स मना करते थे उनके भी पेरेंट्स मना करते थे, इसलिए उनको छुप के खेलना पड़ता था। कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा। उनका ये उद्योग धंदा मसरूफियाती है, उनकी कहाँ चलती थी, मंदिर के पास पे एक बकुली का झाड़, बकुली एक फूल का झाड़ होता है, उस झाड़ के नीचे चलता था या फिर गोठ्याच्या मागच्या बाजूला यानी गोठा जहाँ पर जानवर बांधते हैं, जानवर जो बांधने की जो जगह है उसके पीछे वो लोग उनकी मूर्तियाँ बनाते थे। मूर्ति करून वाळत ठेवल्या की काही कळत त्यांना तडे जाऊन ढासाळायच्या, हिरमोड व्हायचा। अब वो लोग बहुत मेहनत से छुप छुप के मूर्ति बनाते थे। मूर्ति बनाने के बाद, वो बुद्ध बनाने के बाद क्या होता था, जो भी उनका खिलौना या जो भी चीज़ बनाते थे वो होने के बाद क्या होता था, उसमें तड़ख आ जाती, तड़े यानी तड़ख आ जाना, ढासाड़ाचे यानी ढल जाते थे, टूट जाते थे। हिरमोड़ व्हायचा, हिरमोड़ होना यानी उदास हो जाना, मायूस हो जाना। त्यावर काही तरी उपाय शोधाला हवा, अब इसके ऊपर कुछ तो भी आइडिया या कुछ तो भी उपाय इस पर ढूंढना ही चाहिए, ऐसा हुआ। विचार करता करता लक्षात आला कि गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावर ही राहतं। देखिए इंसान में है ना ऑब्जर्वेशन रहना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन यानी हर बारीक चीज़ को देखना, गौर करना, गौर व फिक्र जो है हमारे यहाँ पर एक आई है बात, लेकिन मैं एक आपको हमारे दीन से जुड़ी हुई बात लेकर चलूँ कि कुरान में जो आया है उसमें हमको गौर व फिक्र करना है, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना है कि जब अल्लाह ताला ने हमको हालात दिए, कुरान सिर्फ उन हालात के लिए नहीं था, कुरान आज के लिए भी है, तो उसमें से भी हमको गौर व फिक्र करने के, अल्लाह ताला उसमें कुरान में बहुत बार बताते हैं कि गौर व फिक्र करो, ये बारिश कैसे हो रही, धूप क्यों बढ़ रही, मौसम कैसे बदल रहा, ये ऐसी चीज़ें
अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं, तरबूज आम पेड़ पे लगता है, तरबूज क्यों नहीं लगता? अगर गुलाब का झाड़ नारियल के झाड़ के जितना अगर बनाते थे तो क्या होता था? गुलाब का फूल हासिल होता था? नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने गुलाब के पौधे की जो लेंथ रखने की उतनी रखे। अब जाम का झाड़, अगर उसकी हाइट नारियल के झाड़ की उतनी होती थी तो तुम्हारा जाम इतना छोटा फल खाने के लिए तुम नारियल पर चढ़ते थे क्या? नहीं चढ़ते थे। नारियल में इतनी सारी सिफात रखने के बाद नारियल की झाड़ की अहमियत है, उसकी लंबाई भी क्या होती है, बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि नारियल जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, तो इसलिए वो भी बर्दाश्त होती है। फिर वो नारियल के झाड़ की जो पत्ते हैं वो भी बहुत यूज़फुल है, तो वो हर एक की अपनी अपनी रहे। तो ये जो है ये ऐसे गौर फिक्र करना हमारे को ज़रूरी है। अगर तरबूज अगर झाड़ों पे दरख्तों पे लगता था तो क्या होता था? दरख्त रह सकते थे, तरबूज का वज़न झेल सकते थे, तो उसको अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारा पानी रहता था, तो तरबूज की बेलें दूर दराज इलाकों में नहीं लगती है, नदी पे रेतीली जगहों पे लगती है। क्यों? तो वो पानी की वजह से वो पानी को उसको पानी की मकदार उसको ज़्यादा लगती और बेलें फैलती है। झाड़ पे चढ़ने वाली बेलें नहीं है, ये क्रीपर्स है, क्लाइंबर्स नहीं है, क्रीपर यानी ज़मीन पे फैलने वाली बेलें, उस पर अल्लाह ताला ने तरबूज को उगाया है, खरबूज को उगाया। तो ये गौर फिक्र करने की बात है, मजाक की बात नहीं है। हम मजाक में बोलते हैं अगर तरबूज झाड़ पे रहता था और गिरता था तो सर फूट जाता था, ये सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, मजाक वाली बात नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर ये लोगों ने भी ऑब्ज़र्व करे कि यहाँ पर इनकी नज़र बारीक है, मतलब गांव के इसमें माहौल में रहते हैं तो ये इधर उधर पबजी और ये वो खेलते नहीं बैठ रहे, इनका जहन उधर नहीं जा रहा। यहाँ इनका जहन कहाँ पर है? ये बारीक बारीक चीज़ों पर है कि गाय का गोबर जो है जैसा ताज़ा रहता है, मतलब जैसा गोबर गाय गोबर देती है फिर उसके बाद वो सूखता है तो उसमें दरारें नहीं पड़ती, वो वैसे के वैसे ही रहता है। तो फिर उनको आइडिया आया कि जब इसमें दरारें नहीं पड़ती तो अगर हम ये मिट्टी में मिलाएं तो हमारी जो मूर्तियां हैं उसमें भी दरारें नहीं पड़ेंगी, वो उसको पकड़ के रखेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो मिलाए उसको मिट्टी में गाय का गोबर, शेन यानी गोबर, आता मूर्ति थोड़ा टिकायला लागल्या तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तुकड़े जाऊन ढलप्या पड़ायच्या, पुनः विचार करूँ। अब यहाँ पर उन्होंने एक तजुर्बा करे, मिट्टी में गाय का गोबर मिला के मूर्तियाँ बनाएं, तो वहाँ पे थोड़ी सक्सेस मिली उनको। क्या मिली? कि जो मूर्तियाँ जो है सूखने के बाद बिल्कुल तड़क आ जाती थी तो वैसा नहीं हुआ, अब सूख जाती थी लेकिन बाद में जो है उनकी ढलपियाँ यानी खिपलियाँ झड़ती थी, छत्ते पड़ जाते गिर जाते थे। फिर और उनको जहन में आया और कुछ तो भी करना चाहिए। अब यहाँ पर आगे का एक वो है, आमच्या गावात आठवड़ी बाजार भरायचा, हर जगह वीकली बाजार भरता है, हमारे पास भी भरता है, कहाँ भरता है मालूम है क्या आपको? जैसे इतवार का बाज़ार जो है इतवारा में भरता है, फिर चारशंबा यानी बुध का बाज़ार वर्कशॉप कॉर्नर से लेके केनाल तक उधर आगे भरता है, हफ्ते का बाज़ार जो है शोभा कॉलोनी में शोभा कॉलोनी की तरफ उधर से भरता है, फिर और कौन सा है, मंगल का बाज़ार वसरनी की तरफ भरता है। इस तरह से हर एक एक दिन, हमारा शहर है इसलिए एक एक दिन पर अलग अलग एरिया में हमारे पास बाज़ार भरता है। अब ये लोगों का छोटा गाँव है तो यहाँ पर हफ्ते में एक दिन बाज़ार का होता था, तो अठौड़ी बाज़ार उसको बोलते हैं, हफ्तेवारी बाज़ार। महादू आयते कपड़े विकायला यायचा, महादू नाम का एक आदमी था जो रेडीमेड कपड़े आयते यानी रेडीमेड कपड़े जो है बिकाने लेके आता था। सगड़ा डोंगर भाग सब तरफ जो है पहाड़ी इलाका होने की वजह से फक्त पायवाटा, सिर्फ पैदल चलने के रास्ते ही थे, पगडंडियाँ ही थे, तो अपना माल घोड़ावर लादून आने का, मतलब ये यहाँ पर बोलने क्या जा रहा है ने? कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से चढ़ाव नीचे ऊपर नीचे का हिस्सा होने की वजह से कोई भी गाड़ी बैलगाड़ी वो नहीं लेकर आ सकता था, तो वो कह पर लेकर आता था, घोड़े पर अपना सारा माल लादता था और वहाँ घोड़े से उनके गांव में आता था। नादरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची, तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। नादरुकीचं झाड ये है तो
जैसे बड़ के झाल होते हैं ना, जिनकी जड़ें बाहर बाहर दिखती है, ऊपर दिखती है, उसी तरह ये नादरू की एक उसी की किस्म है, बड़ के झाड़ की, पीपल के बड़ के झाड़ की। तो मुड़ीला यानी उसकी जड़ को वो घोड़े की रस्सी बांध देता था और कपड़े बेचने को चला जाता था। अम्माला घोड़ाची लीद दिसली, लीद यानी जो जैसा गाय का गोबर होता है वैसा घोड़े की लीद होती है। लीद म्हणजे घोड़ाचं शेण, त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते। अब ये लोगों ने हंसने की बात नहीं है, गाय के गोबर की और घोड़े के लीद की बात चल रही है तो आपको हंसी भी आ रही होगी, किसी को कराहत भी हो रही होगी, तो कराहत करने की नहीं बात है। ये गांव के बच्चे हैं तो गांव के बच्चों में इतना नज़ाकत, इतना वो करने की आदत नहीं रहती, तो ये अपने एक नेचुरल वे में खेलते रहते हैं। हम नहीं जाएंगे आसपास में, अगर ऐसी चीज़ हमको दिखी तो हम पैर बचा के वहाँ से हट जाएंगे, है ना। लेकिन ये लोग खेलते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्वेशन उनको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, हमको भी सीखने को मिल रहा है उनकी एक्टिविटीज़ से। तो अब ये लोगों ने लीद के ऊपर ऑब्जर्वेशन किए तो उसको लीद में इन लोगों को बहुत सारे धागे धागे नज़र आए। धागे धागे क्यों नज़र आए होंगे, जहन जा रहा है क्या आपका, क्यों हुआ होगा? घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। तो घास में क्या होते हैं? घास में रेशे रेशे होते हैं, फाइबर्स होता है, तो वो फाइबर्स अगर हजम नहीं हुए तो डिस्पोज होकर वो बाहर निकल जाते हैं, है ना, एज इट इज़। तो वो उसके लीद में नज़र आते हैं, तो वहाँ पर उनको आइडिया आया, हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। अब इन्होंने पहले मिट्टी में गाय का गोबर मिलाए थे, अब क्या मिलाए? घोड़ी की लीद मिलाए। किस ख्याल से? कि इसमें जो धागे धागे दिख रहे हैं ना, तो ये धागों के वजह से हम जो मूर्तियाँ बनाएंगे वो मिट्टी को एक जा पकड़े रहेंगे, जोड़ कर रखेंगे। तो अब हम घोड़े मिट्टी में जो है घोड़े की लीद मिलाते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, एक तजुर्बा करते हैं। आता आमच्या मूर्तींना बिल्कुल तड़े जात नव्हते, केवड़ा आनंद झाला। अब यहाँ पर बहुत खुशी हुई लोगों को, देखो लोग बहुत मेहनत करके, छुप छुपा के, रिस्क लेकर, बड़ों की डांट से बचकर अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, और उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी, उनकी जो बनी हुई चीज़ें थी वो टूट जा रही थी, बेकार हो जा रही थी। फिर उसमें एक एक्सपीरियंस किए, उसमें थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारे, फिर और दूसरा एक्सपीरियंस किए। अब यहाँ पर उनको उनकी कामयाबी मिल गई, उन्होंने बनाई सो मूर्तियाँ जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ सूखने के कई दिनों बाद भी वैसी थी। अब उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, शब्दात सांगता येणार नाही। ये कितनी उनको मतलब लफ्ज़ों में बयान करने वाली खुशी नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उनका एक एक्सपेरिमेंट जो सक्सेस हो गया, एक तजुर्बा जो है सक्सेसफुल हो गया। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्कमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। हाँ, इसकी एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ आपको। आर्कमिडीज एक ऑफ करो तो यहाँ पर जो आर्कमिडीज साइंटिस्ट था तो उसके पीछे एक कहानी है कि वो कुछ सोच रहा था, इन्वेंट कर रहा था, बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं इसने, तो अब एक मौजू पे सोच रहा था कि इस तरह से अगर रहा तो क्या हुआ। तो वो सोचते सोचते मतलब उसी ध्यान में था, वो पानी नहाने गया, तो वो टब में बैठ कर नहा रहा था, तो टब में जैसे उसने डाला तो टब से पानी छलका, तो वो जैसे उसमें डाला पानी वापस उसको लगा कि अरे कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। तो उसका क्या था कि वो जितना वज़न उसमें डाल रहा, हाथ जितना डाला तो पानी वैसा छलक रहा, अगर पैर डाला तो पैर, फिर उसने पूरा अपने आप को बैठ के दिखाया, तो मतलब जितनी उसकी बॉडी कवर करती है एरिया, तो मतलब उसके बॉडी के हिसाब से उतना पानी वो टब से बाहर आ रहा था। मतलब हर एक चीज़ को एक साइज़ है, मतलब वो उतनी जगह घेरती है, इस तरह से वो कुछ अपनी इन्वेंशन कर रहा था। तो उसको वो चीज़ समझ में आ गई, तो वहाँ पे उन्हें वो चीज़ समझ में आ गई। और यहाँ उस ज़माने में ऐसा था कि अगर कोई इन्वेंशन करता है और वो अपने जो आलाकार होते हैं, जो भी मतलब राजा महाराजा रहते हैं, वहाँ तक पहुँचाए और उनको बताए कि तो उन लोगों को वो तजुर्बे जो है उनको इनामों से इकराम से नवाजा जाता था, मतलब उनको उसकी उसकी बहुत तारीफ़ होती थी और उनको उसके लिए
प्राइज़ भी मिलता था उनके लिए, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी। और उसको साइंटिस्ट था तो उसको तारीफ़ों से ज़्यादा ये था कि उसकी जो सोच थी वो एक कामयाबी की तरफ जा रही थी। तो उस ख्याल से, उस खुशी से वो क्या करता है कि अब बाथरूम में था तो बहाना था, तो वो उसी वे में वो उसको जो मतलब हासिल हो गया था, वो जो सोच रहा था, वो सोच उसकी उसको सक्सेस मिल गई थी, तो वो खुशी के मारे यूरेका यूरेका यानी मिल गई विक्ट्री विक्ट्री मिल गया बोल के वो गलियों से दौड़ता फिर रहा था। वो वहाँ तक जाकर बता रहा था कि जहाँ से वो मतलब जिनके थ्रू जिनके अंडर में वो काम कर रहा था, मतलब जो भी जिन तक वो चीज़ पहुँचानी थी उनको। तो जब उसको समझ में आया तो वो बरहना था लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं था, मतलब वो एक खुशी में एक एक्साइटमेंट में था कि मुझे मैं जो चीज़ सोच रहा था, जो चीज़ मैं साबित करना चाह रहा था उसका राज मुझे मिल गया, ये इस तरह से होता है इस तरह से होता है, वो बताने की खुशी में क्या हो गया, बरहना आ गया। जब बाद में उसको एहसास हुआ तो सब लोग उसका ऑब्वियसली हंसेंगे तो हंसे। तो यहाँ पर जब मुसन्निर जो है माध्यमिक यानी हाई स्कूल में आ गए थे और उनको ये जब ये साइंटिस्ट के बारे में उन्होंने पढ़े तो उन्होंने इसको कंपेयर करे, जब हम मूर्ति बनाने के टाइम पे जो हमने कामयाबी हासिल की थी अपने मूर्तियों को बचाने, अपने बुत को, अपने खिलौनों को बचाने के इसमें जो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, तो जब भी हमको इसी तरह आना खुशी हुई थी, मतलब उन्होंने कंपेयर करे ये भी दीवाने को, मतलब ये जो साइंटिस्ट था ये अपने कामयाबी के इसमें दीवानेपन में वो किस हालत में आ गया, उसके ऊपर नज़रअंदाज करते हुए वो खुशी में दौड़ आया, तो मतलब उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तो वो इंतहा खुशी की जो इंतहा थी, तो जब हमारे को कामयाबी मिली थी शायद ये भी हमारी इसी तरह की कामयाबी है, बल्कि इसको ध्यान में आया। त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टी तही ते शोधतच राहायचा। अब उसको जो चाहिए था वो मतलब यहाँ पर आर्किमिडीज का वो बता रहा है कि उसको जो हासिल करना था, उसको जो प्रिंसिपल्स बनाने थे, उसने जो भी अपने राय कायम करनी थी या जो भी फ़लसफे बनाने के थे, तो उसने उसको हासिल करने के लिए वो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को भी गौर से देखता था, उनकी स्टडी करता था, उनको उनके ऊपर ध्यान तवज्जो देता था और उसमें से ही उसने निकाला। इतना बड़ा इन्वेंशन जो है कि मतलब हर एक चीज़ एरिया कवर करती है ये बताने के लिए, वो कहाँ से उसने फाइंड आउट किया, एक बात टब से उसने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर गौर फिक्र करने की बात आई है। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं, आपल्याला आपल्यापुरता का होईना पण एक तो शोध होता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने मिट्टी में लीद मिलाकर जो तजुर्बा किया उसका कोई दूसरा फ़ायदा नहीं हुआ होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने जो अपने हद तक उन्होंने जो इन्वेंशन किया उसका फ़ायदा उनकी जो कलाकृति थी, उनकी जो तख्लीकी सलाहियत थी, उसको वो उन्होंने वहाँ पर उजागर किया था और वो जो इन्वेंशन था, जो तजुर्बा था, वो उनके हद तक बहुत अहमियत रखता था। मुलानो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे, त्याला कायम जागता ठेवा, तुमचं आभाळ कायम आनंदाने भरलेलं राहील। अब यहाँ पर आखिरी में जाते जाते एक लेखक जो है एक बच्चों को एडवाइस देते जाता है कि जिस तरह से ये आर्किमिडीज के अंदर जो गौर फिक्र करने की सलाहियत थी, तख्लीकी सलाहियत थी, यहाँ पर ये मुसन्निफ़ ये नसीहत करता हुआ जा रहा है अपने आप लोगों को, हम लोगों को, कि देखो मैं जब आपके इतना था तब मैंने अपने तजुर्बात से ये सारी चीज़ें सीखी, कुदरत में से हासिल की। मैं तुम्हाला एवढं सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे, हम में तुम में सब में एक आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट छुपा हुआ है, तो उसको हमेशा जिंदा रखो, त्याला कायम जागता ठेवा, उसको हमेशा ज़िंदा रखो, कहीं ना कहीं हर छोटी बड़ी हवा से, गिरने से, उठने से, बैठने से, हर जगह हम कुछ ना कुछ गौर फिक्र करके सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं,
तो यहाँ पर आप भी अपने आप को उस साइंटिस्ट की तरह अपने आप को जिंदा रखो। तुमचं यो आभाड़ कायम आनंदनं भरलेलं राहील, मतलब तुम्हारे पास इतनी खुशी रहेगी कि जितनी आसमानों में खुशी रहती है। आसमान कैसा होता, उसकी क्या है खासियत, क्या है उसकी सिफत, क्या है, वसी है, मतलब आपकी खुशियाँ भी वसी रहेंगी, बहुत ज़्यादा रहेंगी, बहुत ऊँची रहेंगी, अगर आप गौर व फिक्र करते रहेंगे कुदरत के ज़राए में, अपनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत से, उसमें तख्लीकी चीज़ें ढूंढते निकालेंगे तो आप उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पाएंगे, और सक्सेस के साथ इंसान में खुशी बढ़ती है ना। तो ये यहाँ पर बता रहा है। एक चीज़ ऐसी भी है कि कुरान में देखो सबके लिए अल्लाह ताला ने वो बताई है कि तुम कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। पारा कौन सा है, 27 सूरह रहमान है ना। तो यहाँ पर उन्होंने अल्लाह ताला ने भी हमको बताया है कि कुरान में भी लिखा हुआ है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे तमाम भाइयों के लिए, तमाम आलम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को एक हिदायत का ज़रिया बना के भेजा है। तो उसमें भी कहा है कि इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं, तुम कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। तो यहाँ पर हमको जो कुदरत से जो हमारी मदद मिलती है, जो हमारे को हमारे ज़राए हैं उनकी अहमियत को हम जानें, उस चीज़ से अपने आप को उभारें, अपनी तख्लीक करें, अपनी उस चीज़ से तख्लीक निकालना यानी अपनी तख्लीक करना है, मतलब अपने आप को संवारना है ना। तो उससे क्या हासिल करना है, हमको ख़ुद को भी बेहतर बनाना है, बेहतर रास्ते बनाना है, और ख़ुद के लिए बनाएंगे तो आगे के लोगों के लिए भी वो काम करेंगे। अब जो ये साइंटिस्ट लोग काम करके गए हैं तो क्या हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे, उठा रहे हैं ना। बिल्कुल, जैसे लाइट है, लाइट की इन्वेंशन एडिसन ने किया, एडिसन के बाद बहुत सारी चीज़ें उसके जो भी उसने लिख कर गया उसका फॉलोअप लेते हुए दूसरे चीज़ों ने बहुत सारे लोगों ने करे और उस पर अब हम एलईडी पे आए हुए हैं। एलईडी बल्ब चल रहा है ना, पहले टंगस्टन वाला बल्ब चलता था, अब एलईडी वाले अलग अलग किस्म के बल्ब निकले हैं। पहले ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया, उसकी थ्योरी को लेते यूज़ करते करते लोगों ने अभी सेलुलर फ़ोन बनाया, फिर उसके बाद क्या 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 अभी एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें भी कई वर्जन निकल गए है ना। तो इसी तरह इंसान जो है कुदरत से सीखा है, कुदरत से सीखते सीखते ख़ुद भी उससे फ़ायदा अपने आप को भी पहुंचाया और ज़माने को भी उसने फ़ायदा पहुँचाते गया है। तो अच्छी चीज़ बनो, अच्छी सलाहियतों को वो करो, अपने अंदर के साइंटिस्ट को पहचानो। अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर हर एक चीज़ छुपा के रखी हुई है, हर चीज़ छुपाई है। कोई शायर बनता है, किसी के पास पढ़ने की सलाहियत है, किसी के पास मुसव्वरी की है, किसी के पास साइंटिस्ट बनने की सलाहियत है, कोई अच्छा हाफिज़ बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। इसी तरह मतलब हर एक के पास मतलब अपनी अपनी सलाहियतें हैं, वो सलाहियतों को पहचानिए और उसको हासिल करिए, उससे कुछ ना कुछ अच्छा बनने की, बनाने की और कौम को देने की सलाहियतें अपने अंदर पैदा करिए। अपने पीछे अपना नाम छोड़ के जाना है, इसी सलाहियतें रहना, अच्छा नाम, गुड नेम है ना, गुड नेम रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ऐसी तवक्को करते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।